दोस्तों इंडिया की मस्ट अवेटेड मूवी आदि पुरुष, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है, उसका इंतजार अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। अभी अभी हाल ही फिलहाल में आदि पुरुष की न्यू रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जहां ये मूवी 12 जनवरी 2022 को रिलीज होने वाली थी, जिसमें प्रभास का पूरी तरह भगवान श्री राम के रूप में ना दिखना और सैफ अली खान का रावण लुक जो कि अलाउद्दीन खिलजी जैसा दिखता था, उसने सभी फैंस को हैरानी कर दिया था, जिसमें इस मूवी की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी थी। और हाल ही में खबर आई है कि इसकी नई रिलीज डेट 16 जून 2023 होगी। और इसी के साथ साथ मेकर्स ने बताया है कि इसमें काफी सुधार किए गए हैं, जिस कारण इस मूवी पर 100 करोड़ का खर्च और बढ़ गया है। आपको बता दें कि इस मूवी का पहले बजट 500 करोड़ था और दोबारा इसमें 100 करोड़ लगाए गए हैं, ताकि इसके VFX जो कि लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे उनको सुधारा जा सके। और अब इसी के साथ ये मूवी 600 करोड़ की हो गई है, जो कि इंडिया की काफी महंगी मूवी होने वाली है। और हम आशा करते हैं कि मेकर्स ने जिस प्रकार से पहले भगवान श्री राम के लुक से लेकर सैफ अली खान के रावण लुक से फैंस को नाराज किया था, इन सभी गलतियों को ध्यान में रखते हुए इसके VFX पर और मेकर्स के लुक पर बड़ी सावधानी से काम किया गया होगा। अब किस तरह से मेकर्स ने इस मूवी पर दोबारा काम किया है, ये तो नया ट्रेलर देखने के बाद ही पता चलेगा। बस इस ट्रेलर से यही उम्मीद की जा रही है कि जो इसने घटिया VFX और उसी के साथ साथ हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया था वो दोबारा ना हो, क्योंकि भगवान श्री राम की रामायण हमारे हृदय से जुड़ी हुई है, जिसमें किसी भी प्रकार की गलती को सहन नहीं किया जा सकता। फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या ये काम जो 500 करोड़ लगाकर नहीं कर पाए वो दोबारा 100 करोड़ लगाकर कर पाएंगे? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।